जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर, डेली का राशिफल लेकर। राशिफल की चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी का ध्यान उन सभी पुलिस वालों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जो आप सभी लोग जिन्हें गोली और डंडे के नाम से जानते थे, वही पुलिस वाले आज मानवता की अद्भुत मिसाल बनकर निसहाय, गरीब, परेशान, भूखे और लाचार लोगों को बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में जगह जगह पर भोजन करा रहे हैं, बहुत प्यार से करा रहे हैं। उनकी रूडनेस एक्चुअल में हमारे लिए होती भी नहीं है, होती है दुष्टों के लिए, समाज के दुश्मनों के लिए। ये गोली और डंडा आतंकवादियों के लिए है, समाज के दुश्मनों के लिए है, दुष्ट और आताताई लोगों के लिए है और हम सबकी सुरक्षा करने के लिए है। किंतु कुछ लोग, जब हम लोग इस बात को एस्ट्रोलॉजी की नजर से देखते हैं, तो यहाँ पर जब भी मैंने किसी को देखा है कि उसने पुलिस वालों के लिए कुछ अनाप शनाप बातें की हैं कि पुलिस हमें नाजायज रूप से परेशान करती है, तो जब मैंने उसके कर्म और उसके ग्रहों को देखा है तो उसमें एक कर्म या एक ग्रह ऐसा तो कम से कम देखा है कि पुलिस से संबंधित ग्रह उसका, उसकी जन्म कुंडली में खराब है। जब वो ग्रह खराब होगा तो पीड़ा तो देता ही है ना। विशेष रूप से मैं मंगल ग्रह की बात कर रहा हूं। जब भी मंगल खराब होगा, जिन लोगों के लिए भी मंगल खराब होगा, निश्चित रूप से पुलिस से उसे पीड़ा की प्राप्ति होगी, मगर उसके गलत कर्मों की वजह से। चाहे वो कर्म वो अभी कर रहा हो, थोड़े दिन पहले किए हो, या पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल हो, उसे वो कर्मों का फल तो प्राप्त होना निश्चित है जो उसने जन्म कुंडली में लिखाए हुए हैं। इस कोरोना नामक बीमारी में पुलिस वालों द्वारा किए जा रहे इस अद्भुत कृत्य के लिए, इस सराहनीय कृत्य के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हृदय से सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। इसके साथ ही कोरोना नामक बीमारी पर और बहुत सारी अन्य महामारियों पर मैंने 3 वीडियो दिए हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, कैसे कोरोना का जन्म हुआ, कहां से आया ये कोरोना, किन ग्रहों के प्रकोप की वजह से ये महामारी का जन्म हुआ। ऐसे पहले भी ये महामारियां जन्म ले चुकी हैं, कभी प्लेग के रूप में, कभी हैजा के रूप में, जब उसने लाखों लोगों को इस दुनिया से अलविदा कर दिया था। कॉलरा नामक बीमारी का अटैक तो अलग अलग समय पर 3 बार बहुत भयंकर रूप से हुआ है, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं। HIV एड्स का भी अटैक बहुत बुरी तरीके से हुआ है, जिसमें 1920 से लेकर अब तक करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं। प्लेग का अटैक भी बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग देशों में भयंकर रूप से हुआ, जहां लाखों लोगों के काल के गाल में समा गए थे। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका दैनिक पंचांग। आज 1 अप्रैल है सन 2020, विक्रम संवत 2077, अष्टमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है चैत्र मास का। आसमान में शोभन नाम का योग बना हुआ है, बुधवार का शुभ दिन है और आद्र नक्षत्र है। राहु काल जो है वो दोपहर में 12:25 से लेकर 1:59 तक रहने वाला है। तो इस राहु काल के दौरान आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि कोई भी शुभ कृत्य का आयोजन ना करें, कोई भी शुभ कृत्य ना करें, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि राहु काल के दौरान किए गए शुभ कर्म अपना विपरीत फल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं।
बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय जो है, आज का जो समय है वो उनके जीवन में जैसा विपत्ति का सा समय चल रहा है, थोड़ा बीमारी से संबंधित समय चल रहा है, थोड़ा अड़चनों वाला समय चल रहा है, जीवन साथी के लिए भी, माता के लिए भी थोड़ी सी परेशानियों वाला समय चल रहा है, तो आपको कार्यस्थल के हालात के बारे में भी चिंता दिला रहा है। आपको अपने आप को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप आजीवन अपने आप को, अपने बेसिक प्लैनेट को मजबूत करने के लिए और जो आपका भाग्य का प्लैनेट उसको मजबूत करने के लिए, उन दोनों से संबंधित रत्नों की अंगूठियां हमेशा अपने हाथ में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर धारण करें और समय समय पर इनकी उम्र के हिसाब से इन्हें बदलते रहें। अगर ऐसी अंगूठी आपको नहीं मिल पा रही है तो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क स्थापित करें। हम निश्चित रूप से आपकी इन अंगूठियों को आपकी साइज का बनवाकर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करके दुनिया में कहीं भी आपको भिजवा सकते हैं, आपको घर बैठे पहुंचवा सकते हैं। बात करते हैं परिवारजनों के साथ आपके संबंधों की, तो परिवारजनों के साथ जो आपके संबंध हैं वो निश्चित रूप से आपके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने भाग्य में वृद्धि करिए। आपके भाग्य का सितारा स्वयं आपको बहुत मजबूत हो गया है अचानक से, ताकि आप इस विपत्ति के समय को, इस परेशानी के समय को आसानी से सह सके। भाई बहनों के साथ संबंधों की बात करते हैं तो भाई बहनों के साथ संबंधों में आपको, उनके साथ संबंध आपकी मदद करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, आपके कैरियर बनाने से संबंधित, उनसे मदद लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो जिन स्टूडेंटों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, तो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपने माता पिता के साथ या स्वयं हमसे संपर्क करें और एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा न सिर्फ पहले से हर बार ज्यादा नंबर लेके आए अपितु आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। बात करते हैं उन निसंतान दंपतियों की जिनके संतान नहीं है, शादी को बहुत साल हो गए हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं या फिर मिसकैरेज की समस्या बार बार होती है, तो ऐसे लोग एक बार अपनी और अपने जीवन साथी की जन्म कुंडली हमें अवश्य दिखाएं। हम एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपके जीवन में संतान रूपी किलकारियां लाने का अवश्य प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं, किंतु जीवन साथी की वजह से अचानक से कोई सरकार से संबंधित शुभ सूचना, कोई नौकरी प्रमोशन से संबंधित, सरकारी टेंडर से संबंधित या इंटरव्यू से संबंधित शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं ये लगभग एक महीने पहले यहाँ गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो हो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया, और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए, और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा हुआ हूँ, लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, सादर निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरु जी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्मकुंडली दिखाएं और जैसे गुरु जी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा हो। भाग्य का सितारा आपका बुलंद हो चुका है इस समय, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां भाग्य के सितारे के बुलंद होने से ठीक हो जाएंगी। आमदनी का सितारा का कर्म में आके बैठ गया है, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे आमदनी होगी, हालांकि वहां पर थोड़ी सी उलझन है, उन उलझनों से दूर होकर आमदनी बढ़ाने का प्रयास करें। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, रिश्ते हो के टूट जाते हैं या बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग अंकल आंटी कहकर चिढ़ाने लगे, तो ऐसे लोग अपने जीवन साथी की तलाश में घूम रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहेंगे एक बार अपनी जन्म कुंडली हमें अवश्य दिखाएं और एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन में अपना जीवन साथी लाने का
प्रयास करें। बात करते हैं आपके खर्चों से संबंधित, तो अचानक से बीमारी पर खर्चा करना हो सकता है, सावधान रहें, सतर्क रहें। आज की जो लव टिप्स है आप लोगों के लिए, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग भगवान श्री शनिदेव की विधिवत 10 दिन तक पूजा अर्चना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आपके प्रेम संबंधों में लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव की मंत्र पूजा विधि है जो हमारे द्वारा बनाई है, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस विधि को प्राप्त करने के लिए आप हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें ईमेल करें। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है और वो कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे यहां से स्वामी प्रिंस ऋषि और एक साधक और एक साधिका की ड्यूटी इस बात के लिए लगाई गई है कि वो लोग जो पैसा देने में, खर्च करने में असमर्थ हैं, उनको एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करें। तो उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन है और वहां पर जो मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां जाकर ऐप को डाउनलोड करिए और उस ऐप के माध्यम से अगर आप हमारे यहां से संपर्क करेंगे तो आपको फ्री एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन अवश्य प्राप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।